ये तो लोगों ने गिफ्ट किए हुए वर्ड्स है ना, छक्का, हिजड़ा, मामू, गुड़, कैप्टन, हमने खुद को थोड़ी कोई नाम रखा है, हमने तो खुद को एक ही नाम रखा है जो माँ बाप ने दिया हुआ या तो हमने ट्रांसजेंडर में जाने के बाद, लेकिन गिफ्ट मिले हुए नाम ये सब सुन रहे हैं ना। हम खुद को औरत मानते ही नहीं, हम खुद को ट्रांसजेंडर, हिजड़ा, ज्योति कहते हैं, कितने भी बदल हुए तो भी हमको मालूम। हिजड़ा एक कम्युनिटी में ही है, हमारी कम्युनिटी आती है हिजड़ा में, हिजड़ा मतलब जो किन्नर, आराधी और ज्योति, ये तीन मिलके एक कम्युनिटी होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे ज्योति कम्युनिटी में, किसी को रहने को घर नहीं है, कोई दिन भर मांगेगा तो ही खा सकता है, नहीं तो उसको खाना भी नसीब नहीं है। कोई अपने फैमिली में रहता है, अगर किसी फैमिली को पसंद नहीं है कि मेरा बेटा साड़ी पहन रहा है, वो छक्के जैसे रह रहा है, तो वो लोग उसको घर से बाहर निकाल देते, तो वो किसी कम्युनिटी के साथ रहता है चार पांच लोगों में। ऐसी ताली नॉर्मल आदमी की नहीं बजती, कोई कोई सोचता है नहीं अरे इसने मेरे को देख के ताली बजाया तो मेरा कुछ हो जाएगा, नहीं ऐसे कुछ नहीं रहता, किसी के लिए ताली बुरी नहीं है, अच्छी बात भी रहेगी तो भी ताली बजाते हैं, बुरी बात भी रहेगी तो भी ताली बजाते हैं, झगड़ा करने का तो भी ताली बजाते हैं, हर चीज हमारी ताली से होती है। एक हमारी एक ताली होती है जो हम समझ सकते कि ये हमारे बिरादी का है, जो साड़ी पे वो सामने से दिखने में आता है कि ये किन्नर है, पर जो पैंट शर्ट पे है, जो अपने घर में से छुपा के आ रहा है, अगर उनको हमसे बात करना है तो सामने से डायरेक्ट या तो हमको मिलेंगे नहीं तो हम उनसे मिलेंगे, अगर एक ताली बजाए तो सामने से वो दूसरा ताली बजाए तो समझ जाना कि हमारी बिरादी का हमको जोड़ी वाला मिल गया। बहुत से ट्रांसजेंडर ऐसे जिन्होंने बच्चे अडॉप्ट किए हैं, आज वो बच्चे स्कूल जाते हैं, वो स्कूल्स में वो बच्चा है तो छक्के का लड़का है, तो का बच्चा, वो लोग को बच्चा लोग को ये अच्छा नहीं, तो हम और कोशिश चालू है कि बाबा ये दिमाग से निकालो कि वो बच्चा ऐसे किसी का है, सेक्स वर्क वो उसका काम है, तुम भी तो ऑफिस जाते हो डेली, अभी हम बोले ऑफिस में तुम सिर्फ टाइपराइटर चलाते हो और कुछ चलाते हो, फिर तुम किसी और को क्यों टॉर्चर करते हो कि तुम काम नहीं करते, तुम सिर्फ सेक्स वर्क करते हो। LGBT पूरा है, जो खुद सामने आके अपने को आइडेंटिफाई करेगा उसको हक मिलेगा, मैं घर में बैठ के बोलूंगी नहीं मैं ऐसी हूँ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। जिस दिन मैंने शेयर किया घर में कि मेरी बॉडी कुछ अलग है, पैदाइशी और मेरे फीलिंग्स कुछ अलग है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, एक मेरे माँ बाप का, मेरे पूरे फैमिली का मुझे सपोर्ट है, वो तो बोलते नहीं तू हमारे साथ ही रहना, जब तक भी रहेगा हमारे साथ रहेगा, माँ बाप के लिए कोई भी ट्रांसजेंडर उसके लिए बेटा ही होगा, क्योंकि उन्होंने बेटे को ही जन्म दिया है, उन्होंने जन्मजात कोई हिजड़ा पैदा नहीं किया था, वो बाद में उसकी फीलिंग्स चेंज हो गई या तो उसको बाद में मालूम पड़ा कि मेरे में कुछ अलग है, इसलिए हुआ है। कोर्ट ने तो हम लोग को ये कायदा दिया नहीं था कि तुम शादी करो, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें शादी करने की परमिशन दो, हमें बच्चा एडॉप्ट करने की परमिशन दो और हमें डिवोर्स की भी परमिशन दो, जिंदगी हमको भी जीनी, हमें भी जीनी है, एक दिल हमारे पास भी है, हम भी एक इंसान है, हमको भी कुछ भावनाएं हैं। आपको आपकी पांच उंगलियां एक जैसी दिखती रहेंगी तो समझो सब एक जैसे, लेकिन ये पब्लिक ने भी सोचना चाहिए हर ट्रांसजेंडर के बारे में, हर ज्योति के बारे में, हर लेस्बियन के बारे में, हर बाइसेक्सुअल के बारे में।